पैसे पता नहीं किसके हैं। ऐसे किसी के पैसे अपने लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। फुल स्टॉप। बच्चे की जान के सामने क्या गलत क्या सही कहूं बाबूजी। ये चमत्कार है और ये चमत्कार भगवान ने किया है जी, भगवान ने किया है। मयूरी की कोयल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना भला कोई इतने सारे पैसे कैसे भूल सकता है। हाँ, ये पैसे भगवान जी ही छोड़कर गए हैं डरते डरते। आपने सही कहा था बाबूजी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ भगवान के पास होते हैं। भगवान ने मुझे जवाब दे दिया बाबूजी। लेकिन लेकिन मैंने भगवान जी को क्या क्या नहीं कहा। कोयल, भगवान जी मुझे माफ तो कर देंगे ना। हाँ जी, अगर माफ नहीं किया होता तो हमारे गिल्लू के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आते। भगवान आपको माफ कर देंगे जी। क्यों बाबूजी? हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। वैसे भी बेटा, क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं जानता। पाप क्या है पुण्य क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है बेटा कि बच्चे की जान के आगे ना तो कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। बेटा, ये पैसे किसके हैं इसका हिसाब बाद में होता रहेगा बेटा। फिलहाल तू गिल्लू के ऑपरेशन की तैयारी कर बेटा। गिल्लू के ऑपरेशन की तैयारी कर बेटा। सब ठीक है ना डॉक्टर? बिल्कुल ठीक है, आपका गिल्लू एकदम नॉर्मल है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर साहब, गिल्लू अगर बिल्कुल ठीक है तो हम आज ही उसे घर ले जाना चाहेंगे। हाँ हाँ, लेके जाइए। थैंक यू। हरिओम। अबे ये सब क्या है? बाबूजी, हमारा गिल्लू आज ठीक होके आया है। इस खुशी में 6 डिब्बे लाए थे मिठाई के और आपका इंतजार करते करते 5 खा गए, 1 ही बचा है। हरिओम हरिओम। अबे गधा प्रसाद, आज बड़ी खुशी का दिन है, तुझे जितनी मिठाई खानी है खा। बात तो देनी भी सही है। ओहो, गधा प्रसाद, तूने 5 डब्बे खा लिए ना, अब ये डब्बा तो हमें दे दे। हाँ बांसुरी की इतनी मधुर धुन कहाँ से आ रही है? कोयल दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतनी सुरीली बांसुरी तो हमने भी कभी नहीं सुनी डरते डरते। अरे रे, अरे रे, रे मयूरी, ये डांस करने का टाइम है क्या? क्वेश्चन मार्क। अरे इतनी सुरीली धुन है कि मयूरी के पैर थिरकने से रुक ही नहीं रहे हैं। छत पे Bye.
भाई साहब आप कौन हैं और यहाँ हमारी छत पे क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ? ये छोड़ो केसरी। पहले ये बताओ कि गिल्लू कैसा है? गिल्लू अब ठीक है। आप जानते हैं गिल्लू को? गिल्लू तू जानता है इन्हें? इतने बड़े बड़े दोस्त हैं तेरे। पापा मैं इन्हें नहीं जानता। हमें लगता है ये जरूर कोई चोर है और यहाँ चोरी करने आए हैं डरते डरते। हाँ। सही कहा है चुईया ने। चुईया? क्या? मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। हरिओम हरिओम। हाँ बस लोगों के दिल और माखन चुराता हूँ। ये तो सबके नाम जानता है। जजमान वैसे आपका क्या नाम है? मैं क्रिश हूँ। मैं क्रिश हूँ। क्या है ना भाई साहब, मयूरी को ये फिल्मी बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मयूरी को नृत्य बहुत पसंद है। कितना मग्न होकर नाच रही थी ना तुम मेरी बांसुरी की धुन पर। टेंशन टाइट, ही इज राइट। अरे इनको कैसे पता कि तुम नीचे नाच रही थी? मयूरी को क्या पता? बेटा मुझे तो लगता है ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। आप यहाँ चिड़ियाघर कैसे पहुँचे? मैं यहाँ पहुँचा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हमेशा से था। क्या? 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 मैं हर समय हर जगह होता हूँ। क्या बोल रही है? मैं इस हवा में हूँ, मैं पानी में हूँ, मैं दिल में हूँ, मैं दिमाग में हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं तुम में भी हूँ, तुम में भी हूँ। डायलॉग मार रहे। और केसरी तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। भाई साहब इतने बड़े बड़े झटके देने से बेहतर है आप जरा नीचे चलिए और हमारे साथ बात कीजिए। आइए। मैं नीचे भी चलूंगा पर मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? जब तुम सब मुझे माखन खिलाओगे तो ही मैं नीचे चलूंगा। मक्खन? अरे वाह, मक्खन तो हमें भी बहुत पसंद है डरते डरते। ठीक है चलिए हम आपको ढेर सारा मक्खन खिलाएंगे। हाँ चलें। आइए ये लीजिए मक्खन खाइए डरते डरते। मक्खन खा लिया ना? आप बताइए कौन हैं आप और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। पैसे? कैसे पैसे? भाई साहब हमने आपसे कोई उधार नहीं लिया है। ब्रैकेट क्लोज। उधार नहीं लेकर भी उधार लिया है। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो मैं आपके घर के बाहर भूल गया था। पूरे 7 लाख रुपए। भाई साहब आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। मैं याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको आपके घर के बाहर एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला होगा, उसमें जो पैसे थे वो मेरे थे। भाई साहब हमें कोई बैग नहीं मिला, आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे नहीं मयूरी के जेठ जी, जी क्या हो गया आपकी याददाश्त को, भूल गए? भाई साहब हमें एक बैग मिला था, आपको याद है?
उस दिन रात को घर के बाहर एक बैग पड़ा हुआ मिला था, गधा प्रसाद जी से घर के अंदर लेकर आया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाभी, गधा बैग लाया था लेकिन बैग खाली था। हाँ, खाली था। नहीं नहीं कपिता बंदर, कैसी बातें कर रहा है, तू भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ हो गया। मयूरी को अच्छे तरीके से ध्यान है, उस बैग में ना 7 लाख रुपए भी थे। और हाँ, उन पैसों से हमने मयूरी की जर्सी भूल कर ऑपरेशन कराया था गिल्लू का, है ना? बाप रुकिए, मयूरी को वो बैग भी याद है। मयूरी अभी बैग लेकर आती है। ये लीजिए बैग, यही है ना? अरे वाह मयूरी, यही तो है मेरा बैग। देखा मयूरी की याददाश्त कितनी तेज है, तेज है कि नहीं? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो। मयूरी बहुत अच्छी है। मयूरी मोर की तरह नाचती है। मयूरी बहुत सुंदर है ना? पर इसमें मेरे पैसे नहीं है, बैग खाली है। चलिए मान लिया कि पैसों से भरा हुआ ये बैग हमें मिला था, पर आप ये बताइए कि आप हम सब लोगों को इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? वैसे तो मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब आप सबके बारे में अच्छे से जान कर आया हूँ। मुझे अपना पैसा जो लेना है। एक मिनट, इससे ये कैसे साबित होता है कि पैसों से भरा हुआ वो बैग आपका था? तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? जो भी है, पहले आप ये साबित कीजिए कि पैसों से भरा हुआ ये बैग आपका ही था। यदि वो पैसे मेरे नहीं होते तो मैं यहाँ आता क्यों? फिर भी यदि आप सब ये जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। उस दिन मैं चिड़ियाघर के सामने से गुजर रहा था। तूफान आने वाला है, थोड़ी देर यहीं रुक जा। हेलो, हाँ क्या ट्रेन टाइम पर है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ जल्दी। ठीक है, मेरी ट्रेन छूट जाती तो मैं जल्दी से चला गया। और मुंबई पहुंच करके मुझे याद आया कि मैं अपना बैग तो लाना ही भूल गया। फिर मैंने बहुत सोचा तो याद आया कि मेरा बैग चिड़ियाघर के बाहर रह गया, बस वही लेने आया हूँ। अगर वो पैसे आपके थे तो इतने दिन तक आप चुप क्यों रहे? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं कोयल, बनारस की ट्रेन के लिए रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला, इसीलिए 2-3 दिन लेट हो गया आने। देखिए भाई साहब, आपकी इस कहानी से यह साबित नहीं होता कि वो पैसे आपके हैं। आप जाइए यहां से, जाइए। ठीक है, मैं चला जाता हूं पुलिस के पास। लेकिन एक बात याद रखना, यदि पुलिस यहाँ आई तो आप सबसे पूछेगी, हॉस्पिटल भी जाएगी, कि गिल्लू के इलाज के लिए 30 लाख रुपए आए कहां से। तो फिर तब उनको तुम सबूत देते रहना। और वैसे मेरे पास मेरे नोटों के सारे नंबर हैं, तो पुलिस को बहुत आसानी होगी सब पता करने में, और मुझे मेरे पैसे तो मिल ही जाएंगे। नहीं, तो मैं चला जाता हूँ। कृष्टि, आप भी क्या इनकी बातों का बुरा मान रहे हैं? ये तो घोड़े हैं और इनकी जबान घोड़ी है, भागती रहती है। देखिए भाई साहब, हमें बच्चे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी,
हमने सारी कोशिशें करके देख ली, कहीं से कोई इंतजाम नहीं हुआ, ब्रैकेट खाली। तो मजबूरन हमें आपके पैसे बच्चे के इलाज के लिए खर्च करने पड़े। हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। मैंने कब कहा कि आप चोर हैं? बल्कि जब मैं आया तो मैंने खुद कहा था कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं। वो क्या है ना कि मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए, मैं चला जाता हूँ। देखिए, फिलहाल तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब पैसों का इंतजाम करने के साथ साथ हम ये भी पता लगाएंगे कि वो पैसे आपके थे या नहीं। उसके बाद जरूर हम आपको पैसे दे देंगे। नहीं केसरी, जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, तब तक यहीं रहूंगा चिड़ियाघर में। क्या? क्यों? अच्छा, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान डरते डरते। जान पहचान तो इतनी बड़ी है, आप सब मेरे देनदार हो और मैं आप सबका लेनदार हूँ। इस तरह से किसी दूसरे के घर में जबरदस्ती रहना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। क्या 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 कहा आपने? किसी और के घर में घुस जाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं। बहुत सही कहा, पर किसी और के पैसे उससे बिना पूछे खर्च कर देना, ये भी किसी घर के संस्कार नहीं है। इसे चोरी कहते हैं, और यही पाठ आप सबको पढ़ाते हो ना? वैसे बताइए कि मैं कहां पर रहूं, मतलब कौन से रूम में जाऊं? चलिए कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा घर है, मैं छत पे रह सकता हूं, आंगन में रह सकता हूं, बरामदे में रह सकता हूं, नहीं बस बिना पैसे लिए मैं यहां से नहीं जाऊं। एक सेकंड, अभी तो आपने कहा कि आप पैसे लिए बगैर इस घर से जाएंगे नहीं, फिर अभी आप जा क्यों रहे हैं डरते डरते? जा नहीं रहा हूं, लौट कर वापस आऊंगा। वो क्या है ना कि मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे पुकार रहे हैं, बस उनसे मिलने जा रहा हूं कृष्ण मंदिर। बाबूजी, अगर ट्रेन में बैग छूटा होता तो हम कह देते कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ क्या करें? ये तो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा है। डौट, 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 डौट। उसके पास तो अपने नोटों के नंबर भी हैं। पुलिस तो 2 मिनट में पता लगा लेगी, फिर हमारा क्या होगा? हमारे पास इनके पैसे लौटाने के अलावा और कोई चारा नहीं है डरते डरते। बाबूजी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उनके पैसे खर्च करते ही क्यों? मयूरी के बाबूजी कुछ कहिए ना, आप चुप क्यों हैं? फिलहाल मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं, और जहां तक मुझे लगता है ये पैसे इस आदमी के नहीं है। फिर भी हम लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। तब तक जो ये कह रहा है हमें वो मानना पड़ेगा। बाबूजी, आपको आपके घर के बाहर एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला, उसमें जो पैसे थे वो मेरे थे। किसी और के पैसे उससे बिना पूछे खर्च कर दे, ये भी किसी घर के संस्कार नहीं है। इसे चोरी कहते हैं। तू जादू सा तो है इस शख्स के बारे में कि मैं चाहकर भी उससे बहस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कह रहा है,
और मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ केसरी, नींद नहीं आ रही? हरिओम। तुम्हें कैसे पता चला मैं वहां तुम्हारे पीछे खड़ा हूं? तुम्हें ऐसा लग रहा है केसरी कि मैं केवल यहां हूं? ऐसा नहीं है, तुम्हारे आगे भी मैं हूं, तुम्हारे पीछे भी मैं हूं, तुम्हारे दाएं भी मैं हूं और तुम्हारे बाएं भी मैं हूं और तुम्हारे भीतर भी मैं हूं। बिना सर पैर की बातें बंद कीजिए और ये बताइए कि क्या चाहते हैं। मेरी छोड़ो केसरी, ये बताओ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? जिसके घर में कोई घुसपैठिया घुस आया हो उसे नींद कैसे आएगी? मैं घुसपैठिया नहीं, मैं तुम्हारा लेनदार हूं। लेनदार? और पैसा तो मेरा गया है, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? वो पैसे तुम्हारे नहीं थे, वो बैग तुमने बाहर नहीं छोड़ा था। तुम इस बात को इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? फालतू की बातें मत करो, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वो पैसे तुम्हारे नहीं थे। वो पैसा मेरा ही है। तुम्हारे नहीं थे? वो पैसा मेरा ही था और मैंने ही वहां रखा था। नहीं रखे थे? तो फिर किसने रखा था? मैंने वहां रखे थे। अच्छा, तुमने रखे थे? वो पैसे तुम्हारे थे केसरी, पर तुम्हारे घर वाले तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो पैसे आए कहां से? इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है, क्योंकि वो पैसे मेरे हैं। वो पैसे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? भूल गए वो तूफानी रात जब तुम मंदिर गए थे और कृष्ण को खरी खोटी सुनाकर वापस जा रहे थे? Thank you.
याद आया केसरी, तुमने मंदिर से पैसे लिए, फिर उन पैसों को तुमने एक बैग में भरा और फिर उस बैग को तुमने घर के बाहर रख दिया। कुछ याद आया केसरी? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? कौन हो तुम? तुम्हें ये सब बातें कैसे बताई? कौन हो तुम? अचल हूँ, अच्युत हूँ, अव्यक्त हूँ, अनंत जीत हूँ, दयानिधि हूँ, धर्माध्यक्ष हूँ, गोपाल गोविंद हूँ, जगत गुरु जगन्नाथ हूँ, मदन हूँ मैं, माधव भी मैं, मयूर मैं, मुरली भी मैं, प्रजापति हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, सर्वेश्वर, सत्यव्रत, केशव और कृष्ण भी मैं। क्षमा प्रभु, क्षमा, क्षमा। मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो केसरी, पर तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से पहचानते हो, खूब मानते भी हो, पर तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? प्रभु, जब किसी के दिल में शूल गढ़ते हो तो भूल क्या होती है उसकी समझ में नहीं आता। अपने गिल्लू की जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था प्रभु। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है केसरी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं। क्षमा चाहता हूँ प्रभु, किंतु मैं अपने पोते को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। कारण कोई भी हो, किंतु तुमने चोरी की है केसरी, और चोरी की माफी नहीं, क्योंकि जब मैं माखन चुराता था तो सजा मुझे भी मिलती थी। परंतु मुझे खुशी होगी जब कल तुम गिल्लू को मेरे दर्शन के लिए मंदिर लेकर जाओगे और वहां सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करोगे और उसका प्रायश्चित करोगे। खुशी होगी जब कल तुम गिल्लू को मेरे दर्शन के लिए मंदिर लेकर जाओगे और वहां सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करोगे। हवलदार जी, आप रोज रोज मंदिर में प्रसाद खाने चले आते हैं, ये बताइए कि चोर का कुछ पता होता चला कि नहीं? अरे पंडित जी, चोर का पता तो चल ही जाएगा,
पर आप ये जान लीजिए कि मैं हौलदार नहीं इंस्पेक्टर हूँ, पिछली बार बताया था ना आपको। दरअसल मुझे भूलने की बीमारी है। अरे पंडित जी तो इलाज कराइए ना इसका, बार बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चलो भाई आओ छानबीन करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री। अरे बहुत दिनों के बाद आए दर्शन करने के लिए। हाँ पंडित जी, असल में हमारी गिल्लू की तबीयत कुछ दिन से बहुत खराब थी, लेकिन कान्हा जी की कृपा से अब ये बिल्कुल ठीक। इसलिए हम गिल्लू को कान्हा जी के दर्शन करवाने लाए हैं। पंडित जी आज मंदिर में पुलिस क्यों आई है? वो क्या है ना गोटक जी, कुछ दिनों पहले ये मंदिर की दान पेटी से किसी चोर ने बहुत सारे पैसे चुरा लिए, उसी की छानबीन के लिए पुलिस आई है। लेकिन पंडित जी मंदिर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे ना? हाँ लगे हैं ना, वो देखिए। तो फिर इससे नहीं पता चला कि चोर कौन था? मैं दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल में सीसीटीवी का फुटेज है, ये देखिए। उस दिन मेरा मफलर गिर गया था, मेरा चेहरा तो इसमें नजर आ गया होगा। अब बेटा देर हो रही है, बाद में देख लेना चले। एक मिनट बाबूजी, हाँ। देखने दीजिए ना। कहीं देखिए देखिए, और फिर चालू हो गया। कमाल हो गया पंडित जी, जिस वक्त चोर का मफलर गिरा ठीक उसी वक्त रिकॉर्डिंग बंद हो गई। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। शायद कान्हा ही नहीं चाहते कि वो चोर पकड़ा जाए। वैसे पंडित जी कितने पैसे चुराए उसने यहाँ से? बेटा मुझे कॉफी जाना है, देर हो रही है, क्या कर रहे हैं तुम लोग? अरे हाँ, अरे हाँ बाबूजी, मुझे तो यहीं से निकलना होगा। चलो चलो चलो। एक मिनट रुकिए। क्या आप लोग अक्सर इस मंदिर में आते हैं? जी। 15 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसके बारे में कुछ पता है आपको? जी। इंस्पेक्टर साहब इन्हें क्यों रोक लिया, इनसे क्या पूछताछ कर रहे हैं? ये लोग तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, सालों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, मैं जानता हूँ इनको। ठीक है जाइए आप लोग, धन्यवाद। चलिए बाबू, अरे वाह, ये कौन सा डांस शो चल रहा है? कोयल दीदी वो कृष्ण भैया हम लोगों को राधा और कृष्ण का डांस सिखा रहे हैं डरते डरते। हाँ भाभी डांस तुम लोग बाद में सीखना, फिलहाल मुझे इनसे कुछ बात करनी है, तुम अंदर जाओ। चल।
मंदिर गए, मेरे दर्शन भी किए, फिर भी किसी को सच नहीं बताया, क्यों? अच्छा, पुलिस को देखकर घबरा गए होंगे, है ना? आपके अलावा मैं किसी से नहीं घबराता। फिर आप मेरे साथ ये छल क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? क्या किया है? एक तरफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खराब करके मुझे पुलिस से बचाते हैं और दूसरी तरफ लेनदान बनकर मेरे सर पे बैठ जाते हैं और फिर बड़ी सादगी से पूछते हैं कि मैंने क्या किया है। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं केसरी। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि तुम पुलिस के नहीं मेरे गुनहगार हो। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। और दूसरी बात, मैंने ये तुमसे साफ साफ कह दिया था, मैं तुम्हारे पैसे माफ कर दूंगा यदि तुम दुनिया के सामने ये कबूल करोगे कि तुमने चोरी की है। क्षमा कीजिए प्रभु, आप भूल रहे हैं कि मैंने किन परिस्थितियों में चोरी की थी। ये कदम उठाने से पहले आपके चरणों में कितना गिड़गिड़ाया था मैं। किस किस की चौखट पे नाक नहीं रख रही, मगर आप मेरी मदद को नहीं आए तो नहीं आए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था केसरी, और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं, पर तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ गया। ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? चलो अब मान भी जाओ कि तुमने चोरी की है। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है प्रभु। अपने पूरे जीवन काल में 9,50,300 रुपए मैंने आपके ऊपर चढ़ाए हैं। अगर उसमें से 7,00,000 रुपए का मैंने एक बच्चे की जान बचा दी तो वो चोरी नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया मैंने। किसी से बिना पूछे उसका धन लेना चोरी कहलाता है केसरी, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। नहीं प्रभु, एक बच्चे की जान बचाने के लिए आपके मंदिर से लिया हुआ पैसा चोरी नहीं कहलाता। चोरी क्या होती है ये माखन चोर से ज्यादा कौन समझ सकता है? अपनी गलती मानो और जाकर सबको सच सच बता दो। नहीं प्रभु, बात सबको सच सच बताने की नहीं है, बात सही और गलत की है, और इससे भी ज्यादा बात इस बात की है कि मेरे बेटे का विश्वास आपके ऊपर से उठने लगा था। लोगों का विश्वास आपके ऊपर से ना उठ जाए इसलिए मैंने ये कदम उठाया है प्रभु, और जब जब मेरे प्रभु के सम्मान पर बात आएगी मैं इस तरह के कदम उठाता। बात मेरे सम्मान की नहीं, तुम्हारे सम्मान की है केसरी। तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा सम्मान ना चला जाए, लेकिन मैं तुम्हारी चोरी तुम्हारे ही मुंह से सबको बता कर रहूंगा। नहीं केसरी, नहीं, तुम्हें मेरे सम्मान की नहीं अपने सम्मान की चिंता हो रही है। पर जब तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मुझ पर इतना विश्वास करते हो, तो डरते क्यों हो? तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की तो मैं भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। पर सच तो तुम्हें बताना होगा केसरी, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। भगवान, एक भगत के लिए इससे ज्यादा सम्मान की क्या बात हो सकती है कि स्वयं भगवान उसके साथ रहे। आप जब तक चाहे शौक से हमारे साथ रहिए, किंतु मैं सत्य नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु। खैर, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर आपको 2-4 टिकिया मक्खन चाहिए तो बता दीजिए, ले आऊंगा। माखन खाने का मजा तो चोरी करके ही आता है केसरी, किसी के देने पर नहीं। जी प्रभु, बात तो आपकी भी सही है। हरि ओम। चुया, 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 कहाँ है ये? पता नहीं। चुया, चुया। क्या हो गया? आप दोनों लोग इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? हमने कोई गलती कर दी क्या डरते डरते? गलती नहीं,
बहुत कमाल का काम किया है तूने। मैं जरा बाजार तक क्या गई, मंदिर क्या गई, तूने तो घर का सारा खाना बना दिया। अरे वाह। अब मयूरी की कोयल दीदी इतना ही नहीं, मयूरी अभी अभी छत से देखकर आ रही है कि मयूरी की चुहिया ने सारे कपड़े धो भी दिए और वो सूख भी गए। छोटी सी है और काम देखो कितने बड़े बड़े करती है। हाँ, ये तो है। लेकिन लोग हमने तो कोई काम किया ही नहीं है डरते डरते। चुहिया तूने नहीं किया तो फिर कपी ने किया क्या? मैंने किया। आपने किए घर के सारे काम? अब मैं आप लोगों के घर पे रह रहा हूँ तो थोड़ी तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। अरे वाह, आप तो लेनदार बिल्कुल भी नहीं लगते, आप तो बहुत ही क्यूट हैं डरते डरते। हाँ वो तो मैं हूँ। वैसे मयूरी को भी आप बहुत क्यूट लगते हैं। ये मक्खन कहाँ से लिया आपने? एक मिनट, ये तो हमारे घर की मटकी लग रही है ना, कहीं ये वो मक्खन तो नहीं जो मैंने किचन में जमाने को रखा था? हाँ हाँ ये वही मक्खन है। क्या? एक तरफ आप घर के सारे काम करते हैं और दूसरी तरफ मक्खन चुरा के खा रहे हैं। अब क्या बताऊँ मैं आपको, बस एक ये मक्खन ही है जिस पर मेरा बस नहीं चलता, जहाँ दिखता बस मैं चुरा लेता हूँ। हाँ लेकिन आप इसे चोरी मत समझिए, ये समझ लीजिए जो मैं घर के काम कर रहा हूँ उसके लिए आप मुझे ये वेतन दे रहे हैं, ठीक है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक काम कीजिए, आप रोज ना घर के सारे काम कर दीजिए, हम आपको इससे भी ज्यादा ज्यादा रोज मक्खन देंगे। नहीं नहीं मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, वो क्या है ना कि मक्खन तो मैं चुरा कर ही खाता हूँ। वैसे आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। मयूरी सोच रही थी कि क्यों ना एक बार वापस से हमें बांसुरी की धुन बजा के सुनाइए। बिल्कुल अभी सुना देता हूँ।
क्या बात है? आज घर में रंगारंग कार्यक्रम क्यों चल रहा है? क्वेश्चन मार्क। आपको नहीं पता, मयूरी, मयूरी की कोयल दीदी, मयूरी की चुईया आज बहुत खुश है। क्या है ना, क्रिश जी ने घर का पूरा काम कर दिया। सारा काम कर लिया तो क्या इस खुशी में हम भी नाचे? आपको नाचने की क्या जरूरत है? आपने कभी घर का कोई काम किया है डरते डरते? हाँ, चुईया बिल्कुल सही कह रही है। ए जी, आप सब लोगों को तो क्रिश से सीखना चाहिए कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। हाँ, देखिए ना, खाना भी बना दिया, घर की सफाई भी कर दी, और वो भी अकेले। अब जब कोई काम ही नहीं होगा तो मयूरी तो नाचेगी ही ना। और जब मयूरी नाचेगी तो मयूरी की दीदी भी तो नाचेगी। और जब मयूरी दीदी नाचेंगी, कोयल दीदी नाचेंगी, तो क्या हम बैठ के कीर्तन करेंगे डरते डरते? हम भी तो नाचेंगे ना डरते डरते। और वैसे भी कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज सुनते ही ना अपने आप ही मन नाचने को करने लगता है डरते डरते। वैसे आप तीनों बड़े परेशान लग रहे हैं। नायक होटक केसरी नारायण, हेड टीसी बनारस। मैं परेशान नहीं होता, मैं लोगों को परेशान करता हूँ। किसी को परेशान करना गर्व की बात नहीं होती, लेकिन अभी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? जी, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इंतजाम हो जाएगा। ब्रैकेट फुल। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है, करते रहो कोशिश। तब तक हमें भी अपना काम करने दो, क्या बोलते हो आप सब? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। बहुत स्मार्ट बन रहा है ये। अबे स्मार्ट तू बन रहा है, स्मार्ट आप भी बन रहे हो, फुल स्टॉप। अरे क्रिश के बारे में सोचो, उसका क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तीनों मिलकर उसकी टेंशन टाइट कर देते हैं। पागल हो गया क्या? पुलिस ले आएगा वो। टॉट टॉट टॉट। 7 लाख रुपए देने उसे। 7 लाख? इतनी जल्दी 7 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? भैया मैंने पर्सनल लोन के लिए बात की है, जल्दी मिल भी जाएगा। अच्छा, लेकिन 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। डॉट डॉट डॉट। अरे तो अच्छी बात है ना, 3 लाख तेरे, 3 लाख कपी के, 1 लाख मेरा, हो गए 7 लाख। अच्छा, हम दोनों भाई 3-3 लाख लोन ले, आप 1 लाख, क्यों, क्वेश्चन मार्क। अबे तुम दोनों ने देखा नहीं, वो जो क्रिश है वो कोयल से ज्यादा चुईया और मयूरी को नचा रहा था। अब बोलो ज्यादा लोन किसे अप्लाई करना चाहिए? आप हम दोनों को फंसा रहे हैं। ठीक है, हम तीनों भाई अप्लाई करते हैं, देखें जिसको जितना मिल जाए। हाँ ये ठीक है, फुल स्टॉप। अब जल्दी से पैसों का इंतजाम करते हैं और उस क्रिश को 9-2-11 करते हैं। अबे कट, ये 9-2-11 हो गया, सब आपकी वजह से हुआ है। अबे तेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, अबे तेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, अबे गिर जाएंगे। तू तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाना सीख गया है। क्रिश अंकल ने सिखाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। दादाजी मुझे ये बांसुरी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये तो कृष्णा मतलब क्रिश अंकल की बांसुरी है ना बेटा, ये है ना, मैं तुझे दूसरी बांसुरी ला दूंगा। पर दादाजी
देखिए ना, ये कितनी सुंदर बांसुरी है, मुझे यही चाहिए। ये बांसुरी तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी अंकल? तुम्हें इस बांसुरी को खरीदना होगा। ठीक है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने बच्चों से बांसुरी के बदले में पैसों की बात की। खैर बताइए कितने की है? 7 लाख रुपए। ये जरा सी बांसुरी 7 लाख रुपए की? नहीं केसरी, इस जरा सी बांसुरी की कीमत 7 लाख रुपए नहीं है। ये कीमत उस धुन की है जो गिल्लू अपनी सांसों से बजा रहा था। गिल्लू की सांसों की कीमत 7 लाख रुपए ही है ना? हाँ? ये लीजिए अंकल। ये क्या है? अंकल ये हमारे पिगी बैंक है, इसमें हम पैसा जमा करते हैं। हाँ, इसमें से आप पैसे ले लीजिए और हमें बांसुरी दे दीजिए प्लीज अंकल। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और ये बांसुरी ये भी तुम रख लो। तो पर अंकल आप तो अभी कह रहे थे। सही तो कह रहा था, वो क्या है ना कि लोग मेरी बातें सुनते अवश्य हैं, पर उसके अर्थ को नहीं समझते। मैं यहां तुम्हारे पैसे लेने नहीं आया था, बल्कि किसी को किसी बात का एहसास कराने आया था। ये बांसुरी तुम रख लो, ठीक है? थैंक यू अंकल, चल। एक बात याद रखना केसरी, जब तक तुम अपनी गलती मान नहीं लेते, जब तक तुम सबको सच सच नहीं बता देते, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। Kapi uya नचाने कौन आ गया? ये भगवान आप ही ना, थोड़ा सा मेकअप क्या कर लिया आप, तुमको पहचान ही नहीं पा रहे डरते डरते। अरे मेकअप क्या कि लीपा पोती की है। क्या कह रहे हैं आप? अरे कटरीना की आने वाली नई फिल्म में ना उसने भी एकदम ऐसे ही मेकअप किया है डरते डरते। चाहिए रही थी मालूम, बाबूजी कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। इतना लाउड मेकअप सिर्फ हीरोइंस में ही अच्छा लगता है। हाँ। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है जी यारीडा, मेकअप सिर्फ उन्हीं लड़कियों पे अच्छा लगता है जो हीरोइन जैसे ही दिखती हैं, बस। धीरे खड़े रहिए यहाँ पे। क्या कहने का मतलब है आपका? मतलब हम अच्छे नहीं लगते, हम बदसूरत लगते हैं डरते डरते। नहीं नहीं यारीडा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सुंदर हो लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन ये कि अभी मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, मुझे काम है। अरे ऑफिस जाना है मुझे। क्यों ऑफिस जाके क्या करेंगे आप? ऑफिस जाके क्या करेंगे? हाँ। ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? क्या कमाने की बात कर रही, चवन्नी तो आपकी जेब में होती नहीं है। हाँ? चुईया रीडा हाथ क्रॉस कर रही हो तुम। हाँ आपने क्रॉस किए, हमें बदसूरत बोल के डरती डरती। इतना लाउड मेकअप करोगे तो बदसूरत ही दिखोगी ना। अपने आप को कभी देखा है आईने में? हाँ? बंदर लगते बंदर, जब देखो तब बंदर की तरह चटके देते रहते। तुम किया, वही किया मैंने। ये क्या आप ये अच्छा नहीं कर रहे? अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अच्छा किया, इसलिए अच्छा कर रहा हूँ। बाबूजी को बुला देंगे अभी हम।
टेंशन टाइट, दिस इज हाइट। अरे मेकअप किया कि लीपा पोती की है, इतना लाउड मेकअप सिर्फ हीरोइंस में अच्छा लगता है। हाँ बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए, हम आप ही के घर जा रहे थे। सब ठीक है ना? हाँ, हमारे चुन्नू का आज एग्जाम है, सोचा आपसे आशीर्वाद लेकर जाए। कैसी बात कर रहे हैं, अरे ऊपर वाले का आशीर्वाद दिलवाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, इस चिड़ियाघर मोहल्ले के भगवान तो आप ही हैं, सबको सही राह पे चलना जो सिखाते हैं। बेटा प्रणाम करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, असली भगवान वही है। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं मैं हंस नहीं रहा था, मैं देख रहा था कि लोग तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। नहीं तो इसमें कोई बुराई है? नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इनको पता चलेगा कि तुमने मंदिर से पैसे चुराए, उसके बाद भी ये तुम्हारा इसी प्रकार सम्मान करेंगे या नहीं, ये सोच रहा था। बस इसी दुविधा में थोड़ी सी हंसी आ गई। वैसे केसरी बता दो ना सबको सच, खुद ही कहते हो कि सांच को आँच नहीं, खुद ही डर रहे हो? जैसी जिसकी मर्जी। मैं अपनी बांसुरी को सजा रहा हूँ ताकि कोई इसे देखे तो इसकी तारीफ करते हुए थके नहीं। बांसुरी की सुंदरता से क्या मतलब? उसकी तो आवाज खूबसूरत, मतलब कि धुन मधुर होनी चाहिए डरते डरते। बिल्कुल सही कहा तुमने चुईया, नारी की सुंदरता उसकी सूरत से नहीं सीरत से देखी जानी चाहिए, मतलब भारी मेकअप करने की आवश्यकता नहीं। हमारी और कपी जी की बातें सुन ली हैं डरते डरते? मैं किसी की बातें नहीं सुनता। हाँ पर मुझे सबकी बातें सुनाई दे जाती हैं। कपी जी को हम सुंदर नहीं लगते हैं, और हम भी ये बात जानते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं डरते डरते। तुमसे किसने कहा? तुम बहुत सुंदर हो। सच्ची? हाँ, तुम में एक नहीं 100 गुण है। और मयूरी? मयूरी तुम बहुत सुंदर, तुम मोर की तरह नाचती हो, तुम बहुत अच्छी हो। आपको ये सब कैसे पता? इंसान की अच्छाइयां छुपाए नहीं छिपती, जैसे कोयल बहुत सुंदर है, उसकी आवाज बहुत मधुर है। सच्ची? कृष्ण जी, हमारी कोयल दीदी, मयूरी दीदी बहुत सुंदर है, लेकिन हम तो बहुत साधारण हैं डरते डरते। नहीं चुहिया नहीं, कोई भी औरत साधारण नहीं होती। एक नारी साधारण कैसे हो सकती है? राम और कृष्ण को जन्म देने वाली नारी साधारण कैसे हो सकती है? पार्वती, शक्ति, जिनके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक होता हो, वो नारी साधारण कैसे हो सकती है? खुद को साधारण समझना ही तुम्हारी भूल है। खुद को पहचाना, जीवन सुखमय हो जाए।
बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन हम महिलाओं के जीवन में खुद को पहचानने के लिए है ही क्या? रोज सुबह सुबह उठो, घर के सारे काम करो, इन्हें ऑफिस भेजने की तैयारी करो, गिल्लू को स्कूल भेजो, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखो, उनके सुख दुख का ख्याल रखो। फिर पति से सुनो कि तुम हीरोइन जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो, तुम सुंदर हो लेकिन तुम इतनी सुंदर नहीं हो। टेंशन टाइट मत करो, यही जीवन है हमारा, हमारा ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं का यही हाल है डरते डरते। चुईया, ज्यादातर महिलाएं अपने आप से मिली ही नहीं, वो अपने आप को जानती ही नहीं, जैसे तुम अपने आप को नहीं जानती। चलो आज मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं, सुंदरता क्या होती है तुम्हें दिखाता हूं। तुम सुंदर ये मान लो, तुम फूल अपनी खुशबू पहचान, तुम वर्षा ना हो तो ना प्यास बुझे, तुम गंगा ना हो तो ना पाप, धरती हो तुम बिंधान का, तुम पुत्री तुम बिन कन्यादान का, तुम भक्ति तुम शक्ति तुम मुक्ति तुम ही माया, तपती धूप में जैसे ममता की ठंडी छाया, तुम एक लेकिन तुम्हारे रूप अनेक, अपनी आंखें बंद करो और देखो, अब देखो आकाश में उड़ते बादलों को, देखो अपने लहराते आंचल को, देखो गुलाब पर ओस की बूंदें, जैसे बच्चा सोए मुट्ठी में, जैसे गंगा में जलता दीपक हो बहता, जैसे ख्यालों में पहला ख्याल हो जाता, सावन के नाचते उस मोर को देखो, काशी के घाट की उस भोर को देखो, सागर के अंतिम छोर को देखो, प्रेम जो बांधे उस डोर को देखो, अब अपनी आंखें खोलो, और एक बार अपनी ओर तो देखो, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरी बांसुरी की धुन की तरह। बेसन के लड्डू, क्या बात है, टेंशन टाइट। टेंशन टाइट, आर यू ऑल राइट? काटा क्यों मुझे,
चुहिया है ना, तो चुहिया तो काटती है डरते डरते। अच्छा तो तुम सुबह का बदला ले रही हो मुझसे? हाँ निकाल रहे हैं सुबह का बदला। क्यों? तो इतनी सी छोटी सी बात का दरवाजा बनाने की? चुहिया कपी, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? झगड़ा करना बंद करो और ये बताओ, ये बेसन के लड्डू, मक्खन निकल रहा है, डांस हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है? ए जी, आज ना कृष्ण ने मेरी बड़ी तारीफ की, इसलिए मैं उनके लिए मक्खन बना रही हूँ। वेल, आज तक तुमने मुझे दही तक के लिए नहीं पूछा और कृष्ण के लिए मक्खन। सुनिए जी, आप में और कृष्ण में बहुत फर्क है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है, आप ही को समझ में नहीं आ रहा। सब समझ रहा हूँ मैं। क्या समझ रहे हैं? देखो कोयल, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सब समझ रही हो तुम। क्या नहीं चलेगा? देखो कोयल। ए जी, कोयल। ए जी, कोयल। भी काट लेंगे, बता दूं। बड़े जी, ध्यान से सुनेंगे ना आप? आज कृष्ण जी ने हमारी भी तारीफ की है डरते डरते। उन्होंने कहा है कि हम भी हीरोइन की तरह बहुत सुंदर दिखते हैं डरते डरते। और कृष जी ने मयूरी से कहा, मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो, मयूरी तुम बहुत सुंदर हो। बस इसी खुशी में मयूरी का मन झूम रहा है। अच्छा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारी तारीफ करने में, उसका कुछ नहीं, फुल स्टॉप। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया? बड़े आए, पूरी जिंदगी तारीफ की है। अच्छा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा। ब्रैकेट क्लोज। क्या बोले? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 ना, बोलते क्यों नहीं? कहीं के जिंदगी भर मयूरी की तारीफ करके तुझे मिला क्या? तो आपकी सही है, जो भी हो रहा है कृष्ण की वजह से हो रहा है। बहुत उड़ रहा है आजकल ये। इस कृष्ण का कुछ करना पड़ेगा। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है ये सब? हरिओम हरिओम हरिओम। किस चीज की तैयारी हो रही है बेटा? बाबूजी, आजकल आपकी तीनों बहुओं को एक नया भगवान मिल गया, मिस्टर कृष। आराम से भी बात कर सकता है बेटा। बाबूजी, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो कृष जी के लिए ही हो रहा है। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण भगवान ही तो हैं। क्या? वो बेटा, मतलब कृष्ण चिड़ियाघर के मेहमान हैं, तो मेहमान तो भगवान का रूप होता ही है ना? हाँ। बाबूजी, जल्दी चलिए। सब ठीक है ना? वो जो मंदिर में चोरी हुई थी ना, उसका चोर पकड़ा गया है। और वो गोवर्धन पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता उसकी बुरी तरह धुलाई कर रहे हैं, जुलूस निकाला है उसका। हाँ तो अच्छी बात है ना, चोर की तो धुलाई होनी ही चाहिए, और धोना चाहिए उसे। अरे ओ, क्या बात कर रहे, चलो तुम मेरे साथ चलो। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मयूरी के बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, मयूरी के बाबूजी। बाबूजी रुकिए, बाबूजी चल आ जा, चल चल। किसी की नजर ना लगे फटाफट से। जियो चोर भैया। इंस्पेक्टर। रुकिए नेता जी, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। अरे कैसी कार्रवाई? इसने मंदिर के तान की चोरी की है, हम इसे लेकर पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाएंगे। हाँ, चक्कर लगवाएंगे। और वो भी एक नहीं, 10 चक्कर लगवाएंगे। देखिए, शांत हो जाइए।
मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है। चल एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। अरे केसरी नारायण जी, आइए आइए, बहुत सही समय पर आए आप। आप भी इसके मुंह पर कालिख लगा दीजिए, बहुत बड़ा पाप किया इसने। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या बाबूजी, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा है, फुल स्टॉप। सही कह रहा हूँ बेटा, ये काली किसके मुंह पर नहीं है, मेरे मुंह पर लगनी चाहिए थी। ये जुलूस इसके नाम का नहीं, मेरे नाम का निकलना चाहिए था। बाबूजी, मुर्दाबाद के नारे इसके खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ लगने चाहिए थे, क्योंकि मंदिर में चोरी है, इसलिए नहीं, मैंने की थी। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप ऐसा टेंशन टाइप काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ऐसा काम किया है। बाबूजी, हमें नहीं पता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बाबूजी चोर नहीं हो सकते डरते डरते। चोरी मैंने ही की है बेटा, मंदिर की दान पेटी से पैसे मैंने ही चुराए हैं। नहीं मयूरी के बाबूजी, आप चोरी क्यों करेंगे? कारण जानना जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन सच्चाई यही है कि मंदिर की चोरी मैंने की है। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए, मुझे ले चलिए। नहीं, मैं तो पहले ही कहता था ये दिखने में जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं मानता था। हाय दया मोरी मैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे बाबूजी, मैंने आपको मोर समझा था, लेकिन आप तो चोर निकले फटाफट से। बाबूजी, हमने तो आपको देवता का दर्जा दिया था, पर आपने तो शैतान वाला काम किया। अरे आजकल तो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्यों भाइयों? वैसे तो बहुत संस्कारी बनते हैं, पर काम ऐसे करते हो। जो भी आप कहें इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, मुझे ले चलिए। छोड़ दो इसे, अरेस्ट कर लो इन्हें। ले चलो। अरे ऐसे कैसे लेकर जाएंगे, इनके मुंह पर भी कालिख लगेगी। नहीं, नहीं। क्यों भाइयों? बाबूजी, चोर है, चोर है, चोर है,
चलो अंदर इनको। सर, हम केसरी नारायण जी की जमानत के लिए आए हैं। दादा दादा। केसरी नारायण जी नहीं, चोर केसरी नारायण बोलो। तमीज से बात कीजिए आप। मुशर्रफ, तू सिखाएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है? हाँ, अभी डालूंगा अंदर तुझे। सॉरी सर, सॉरी। कभी शांत हो जा, मैं बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बताइए ना, बाबूजी की जमानत कैसे हो सकती है? देखिए, अभी तो पकड़े गए हैं, अभी पूछताछ होगी, कल कोर्ट में पेशी होगी। मंदिर में चोरी की है इन्होंने, धर्म का मामला है, मुश्किल है इनकी जमानत होना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी। लेकिन उकिन कुछ नहीं मैडम, मैंने कहा ना कि इनकी जमानत नहीं हो सकती। आप जाइए प्लीज, हमें और भी काम है, चलिए निकलिए। सर, मुझे पता है बेटा, तुम लोगों के मन में मेरे बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर मेरे पास फिलहाल तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने चोरी की है, और अगर ये उसकी सजा है तो ठीक ही है। अब तुम लोग जाओ। बाबूजी, आ गया चोरों का परिवार। अरे इनके बाबूजी ने तो मुझे मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना छोड़ा बड़ावट से। अरे पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देते, मैं दे देती बड़ावट से। चोरी करने की क्या जरूरत थी उन्हें? हाँ, वो भी सीधे भगवान के घर चोरी। हाय दया मोरी मैया। राम 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 राम। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते थे बाबूजी, ऐसी हरकत कर बैठे। छी 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 छी। क्या कहते हैं नेताजी, इनके हाथ पे भी लिख दें क्या, मेरा बाप चोर है? तेरे तो ऐसे के तैसे। औकात मेरे, नहीं तो जिस तरह तेरे बाबूजी गए ना, उसी तरह तू भी अंदर चला जाएगा। चल निकल यहां से, चोर कहीं के। गली गली में शोर है, केसरी नारायण चोर है। गली गली में शोर है, केसरी नारायण चोर है। गली गली में शोर है, केसरी नारायण चोर है। कृष 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 लगता है घर में नहीं है। लेकिन कहां गए होंगे डरते डरते? पैसे मिलने के बाद अब वो क्यों मिलेगा? इससे ये बात साबित होती है कि बाबूजी ने चोरी की है। बाबूजी ने कृष को पैसे देने के लिए चोरी की। नहीं जी, भगवान भी आकर ये कहेंगे तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगी। मयूरी की कोयल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, मयूरी के बाबूजी चोरी नहीं कर सकते, लेकिन वो जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे। झूठे विश्वास की पट्टी उतारो अपनी आंखों से। अरे जब बाबूजी खुद कह रहे हैं तो और क्या सबूत चाहिए तुम लोगों को? मैंने तो रेलवे के पैसे सिर्फ 3-4 दिन के लिए इस्तेमाल किए थे, तो मुझे कितना डांटा था, कहा था बेटा ये तो चोरी है, और बाबूजी ने तो सीधे सीधे चोरी कर दी, वो भी मंदिर में। भैया मुझे लगता है बात कुछ और है। चुप कर गोमुख, कहेंगे
बाबूजी हमें सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो अब कहां गया सम्मान? बाबूजी की इस गलती की वजह से लोग हमें जीने नहीं देंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। आज से मैं बाबूजी के विचारों को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। घबराओ मत केसरी, यहां तुम्हारे अलावा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तो अब आप यहां क्या करने आए हैं? मुझे फांसी दिलवाने? केसरी, मैं तो यहां तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की दाद देने आया था। आज समझ में आया कि लोग आपको छलिया क्यों कहते हैं। आपकी यही बातें, यही कुटिल मुस्कान, आपके छल के पीछे यही सब कुछ होता है। क्या जबरदस्त खेल खेला है मेरे साथ, वाह! मैंने खुद ही मजबूर होकर सारी बात सब लोगों के बीच सच सच बता दी। अब यार मुझे इस हाल में देखकर तो बहुत खुश होंगे ना आप? यही तो चाहते थे ना आप? नहीं केसरी, मैं तो केवल सबका सुख चाहता हूं। सबका सुख चाहते हैं? मेरा मान सम्मान इज्जत सब धूल में मिल गई। मैं किसी के सामने आंख उठाकर देखने का भी नहीं रहा। सारी दुनिया मुझे चोर समझती है और आप कहते हैं कि आप सबका सुख चाहते हैं। कैसे भगवान हैं आप? आपको अपने भक्तों का दुख नहीं दिखाई देता? मेरे किसी भी भक्त को अपना दुख मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है केसरी। मेरा मन मेरे हर एक भक्त के मन से जुड़ा है। जो उन्हें आभास होता है वही आभास मुझे भी होता है। क्या तुम्हें यह आभास है कि जो मैंने किया वो गलत था? गलत तो नहीं था प्रभु, पर आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने किस परिस्थिति में चोरी की थी। जब तुम जानते थे कि तुमने कोई गलती नहीं की तो चोरी के बाद छिपाई क्यों? क्या खुद का सम्मान खोने का डर था? शायद क्योंकि जब आप भगवान होकर मेरी परिस्थिति को नहीं समझ पाए तो फिर आम जन से क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रभु, इससे तो अच्छा था कि मेरी जान चली जाती, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं जान के सदके माल और इज्जत के सदके जान। तुम अभी से हार मान गए केसरी? ये तो शुरुआत है। शुरुआत है, अब इससे बुरा और क्या होगा प्रभु? अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये जानने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कल का सूरज न जाने तुम्हारे जीवन में कौन सा रंग लाएगा। बस सूरज निकलने तक प्रतीक्षा करो। एजी, चाय पी लीजिए, चलिए। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया।
बाबूजी की खबर अखबार में भी छप गई है। कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही था। भैया अब जो हुआ उसे भूल जाइए, अब हमें सोचना ही है कि बाबूजी को कैसे छुड़ाएं। ये क्या लिखा है इसमें? ये क्या लिखा है? आप इतनी टेंशन में क्यों आ गए? इसमें लिखा है चोरी 15 तारीख को हुई थी, यानी कि आज से 15 दिन पहले। फुल स्टॉप। हाँ तो इसमें क्या टेंशन टाइट बात हो गई? टेंशन वाली बात है, हम लोग ये समझ रहे थे कि चोरी बाबूजी ने कृष जी के आने के बाद की है। करेक्ट, जबकि चोरी कृष के आने से पहले हो चुकी थी। हम सोच रहे थे कि बाबूजी ने चोरी कृष को पैसे चुकाने के लिए की है। इसका मतलब बाबूजी ने चोरी कृष के लिए नहीं की, किसी और के लिए की। लेकिन एक मिनट, पैसों से भरा बैग हमें 15 तारीख को ही तो घर के बाहर मिला था। रोट। कहीं वो पैसों से भरा बैग खुद मयूरी के बाबूजी ने तो बाहर नहीं रखा था? अगर वो पैसों से भरा बैग बाबूजी ने बाहर रखा था तो फिर कृष्ण ये क्यों कह रहे कि वो पैसे उनके हैं? हो सकता है कि कृष्ण को पता हो कि बाबूजी ने मंदिर में चोरी की है और वो बाबूजी को ब्लैकमेल कर रहे हो, इसलिए वो यहाँ से चला गया। क्योंकि जब उसे पता चला कि बाबूजी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, तो वो यहाँ से गायब हो गया। सारी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, बाबूजी ने चोरी की और पैसों से भरा बैग चिड़ियाघर के बाहर रख दिया ताकि हम लोगों को वो पैसे मिले और गिल्लू का ऑपरेशन हो सके। डॉट 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 डॉट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोमुख भैया, बाबूजी ने गिल्लू की जान बचाने के लिए चोरी की। ये तो बाबूजी ऐसा कभी नहीं करते। बाबूजी ने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं बाबूजी के बारे में क्या क्या सोच रहा था। मुझे बाबूजी से अभी मिलना, अभी के अभी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। गिल्लू को बचाने के लिए आपने अपने संस्कारों को ताक पे रख दिया और मैं आपके बारे में कितना गलत सोचता रहा। मैंने कैसे सोच लिया कि आपने चोरी की है? बेटा जो भी हो, चोरी तो मैंने की थी, अब वजह जो भी थी वो अलग बात है। आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। डॉट 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 डॉट। हाँ बाबूजी। बेटा तुम लोग कुछ भी कर दो, देखिए मेरा खोया हुआ सम्मान नहीं लौटा सकते। नहीं बाबूजी, हम कोर्ट में जज के सामने चोरी की वजह रखेंगे और जब जज को पता चलेगा कि आपने चोरी क्यों की थी तो मुझे पूरा विश्वास है वो भी इस बात को समझेंगे। हाँ। नहीं बेटा, जब दुनिया का सबसे बड़ा जज मेरा भगवान मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है तो फिर ये कोर्ट के जज क्या समझेंगे? भगवान जाने अब क्या होगा, क्या दिन देखने को मिलेंगे। हवलदार जी, हवलदार जी, हवलदार जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा आपको। देखिए मैं समझाता हूँ। मैं कृष्ण मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। पंडित जी से एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई है। कैसी बेवकूफी? असल में बात यह है कि मंदिर में चोरी हुई ही नहीं है। क्या? हाँ? क्या? चोरी हुई ही नहीं? मतलब ये कि चोर आया था, उसने दान पेटी के ताले को तोड़ा भी, मगर दान पेटी के अंदर पैसा था ही नहीं। ऐसे नहीं थे। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन मैं विदेश चला गया था और विदेश जाने से पहले ही दान पेटी के अंदर जमा हुए 7 लाख रुपए मैंने मंदिर के खजाने में जमा करवा दिए। और ये बात ये बताना भूल गए।
और इसी भूलने की बीमारी की वजह से केजरीवाल जी लॉकअप में है। अरे केजरीवाल नहीं, केसरी, केसरी नारायण जी। हाँ हाँ हाँ, वही केसरी नारायण, केसरी नारायण जी। चुप बेवकूफ, 15 दिनों से बिना वजह पुलिस को इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ा रहे हो। ये सब क्या नया तमाशा हो रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर, आपने पैसे चुराए थे ना? क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा, मैंने चोरी तो की थी, मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराए थे मैंने। लेकिन बाबूजी, ट्रस्टी जी तो कह रहे हैं कि दान पेटी में पैसे थे ही नहीं। हाँ। पता नहीं बेटा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? केसरी नारायण जी को बाहर निकालो। बाबूजी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सच्चाई यही है कि मंदिर की दान पेटी से मैंने पैसे चुराए थे। आप झूठ बोल रहे हैं बाबूजी। मेरे ऊपर लगे झूठे इल्जाम को आपने अपने ऊपर ले लिया ताकि पुलिस से हम बच सके। बाबूजी आप मेरे लिए भगवान है बाबूजी। अरे नहीं भैया, अरे ऐसे मत कीजिए प्लीज, क्या कर रहे हैं बाबूजी। आप महान है, सचमुच आप बहुत महान है। आप ग्रेट है, आपको तो सम्मान होना चाहिए। केसरी नारायण जी, आप सचमुच में महान है। आपने एक अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। नहीं नहीं बाबूजी, आप सर सचमुच महान है बाबूजी। जी, उस दिन के लिए हम सब माफी चाहते हैं, हम सबको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने एक गरीब इंसान की खातिर सारे इल्जाम अपने सर ले लिए। दीमक चाचा, तुम एक नंबर के छिजोरे हो डॉक्टर से। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, हमारे बाबूजी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते बड़ावट से। अच्छा गिरगिट मौसी, और कल आप क्या कह रही थी डरते डरते? हाँ। अरे वो तो मैं आज भी कह रही हूँ कि बाबूजी एक नंबर के चोर हैं। क्या? क्या? अरे हम सबका दिल चुरा लेते हैं बड़ावट से। वैसे बाबूजी आज आपने मेरा दिल चुरा लिया है। हरिओम हरिओम। बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बाबूजी हम सबको टेंशन टाइट, खुशी हो रही है। आज के सम्मान से मैं एक बात मान गया। और मयूरी की जेठ जी, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब मान गए। अरे लेकिन ये तो बताइए कि मान क्या गए? यही कि जान के सदके माल और इज्जत के सदके जान। धन्य हो प्रभु,
धन्य हो। मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया प्रभु। आपने एक ही झटके में मेरे सर से चोरी का इल्जाम भी हटवा दिया और साथ ही मेरा खोया हुआ सम्मान भी मुझे वापस दिलवा दिया। मैं किस मुंह से अपना आभार व्यक्त करूं? मेरा आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है केसरी। भगवान हमेशा उसी भक्त के साथ होता है जिसका हृदय तुम्हारी तरह पवित्र होता है, और वही तो मैंने किया। धन्य हो प्रभु, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है केसरी, और हमेशा रहेगा। मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा ना कहें प्रभु, अब इस हालत ने मुझे छोड़कर मत जाए। मैं कहीं भी रहूं केसरी, पर मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा, और जब मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा तुम मेरे हृदय में रहो। भगवान और भक्त के दिलों के तार हमेशा जुड़े होते हैं, और जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मैं लौट कर आऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.